जब कभी भी हम अंडरवेयर खरीदते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सालों साल चलेगा, बट उसकी हालत 6 महीने या उससे भी कम टाइम में इतनी खराब हो जाती है, हर जगह से फटने लग जाते हैं, उसका कपड़ा बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है, इलास्टिक खराब हो जाती है, श्रिंक हो जाता है या फिर स्ट्रेच हो जाता है, और वो भी इतने महंगे और बड़े ब्रांड्स में। और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो कि हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं बट वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे वर्स्ट एंड बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड शेयर करूंगा फॉर मैन इन इंडिया। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो अंडरवेयर हम सब लोग पहनते हैं, एवरी डे पहनते हैं, और मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा अंडरवेयर पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वर्स्ट अंडरवेयर एंड बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड्स, जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। 6 to 1 years के यूसेज के बाद मैं आपके साथ बताऊंगा कौन से फट गए हैं, कौन से डैमेज हो गए हैं, कौन से 1 साल के बाद भी चले जा रहे हैं। बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाली है आपको डिसाइड करने के लिए कि कौन से ब्रांड में आपको एक्चुअली में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में आपको अवॉइड करना चाहिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला ब्रांड जो कि आई थिंक काफी सारे लड़कों को शॉकिंग लगेगा, विच इज जॉकी। आई लव जॉकी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने जॉकी के अंडरवेयर्स पहनने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, बट उनके कुछ कैटेगरीज हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जैसे कि उनकी ये जो ब्रीफ की कैटेगरी है, इट इज टोटली डिसअपॉइंटेड। कपड़ा बहुत ज्यादा खराब है, साथ साथ इसमें आगे की तरफ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है आपके प्राइवेट पार्ट को ब्रीथ करने के लिए। तो अगर आप इसको पहनते हैं ना तो इतना ज्यादा टाइट, इतना क्लटर्ड लगता है कि आप इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि आपका 1 घंटा भी इस अंडरवेयर के साथ निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ जॉकी के ट्रंक्स भी कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने 1 साल पहने हैं, एंड आई एम वेरी अशेम्ड टू शेयर दिस विद यू कि उनकी हालत कैसी हो गई है। सो दिस इज द अंडरवेयर जो मैंने खरीदा था, और मैंने 1 साल इसको आराम से पहना है, बट उसके बाद ये इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ है, नीचे की तरफ से ये बहुत बुरी तरह फट चुका है, इसमें आराम से 2 से 3 उंगलियां निकल सकती हैं। जॉकी के अंडरवेयर और ट्रंक की कुछ कैटेगरीज बहुत ज्यादा खराब है। नेक्स्ट वर्स्ट ब्रांड इज क्रोमोजोन। जैसे कि जॉकी के अंडरवेयर्स है ना जिनमें आगे बिल्कुल भी पाउच नहीं है, सेम इज विद दिस क्रोमोजोन ब्रांड, इसमें भी आगे की तरफ बिल्कुल भी पाउच नहीं है। जैसा आपको क्लटर्ड जॉकी में लगता है वैसे ही सेम आपको इसमें भी फीलिंग आती है, और जो इसकी इलास्टिक है ना बिल्कुल भी स्किन फ्रेंडली नहीं है, तो बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते हैं जब आप इसको पहनते हैं। तो दिस इज अगेन अ वर्स्ट अंडरवेयर ब्रांड। नेक्स्ट इज फ्रूट ऑफ द लूम। मैंने इसको बस 2 या 3 बार ही पहना है पिछले 1-1.5 सालों में, क्योंकि जब भी मैं इसको पहनता हूँ ना इसके ट्रंक्स में स्पेस ही इतना कम है, इट्स काइंड ऑफ मिनी ट्रंक, तो जैसे ही मैं पहनता हूँ ना तो पूरा का पूरा कपड़ा जो है वो मेरी थाइस के पास क्लटर्ड हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है एज कम्पेयर टू उसका जो प्राइस था 500-600 रुपीज की रेंज में, उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वर्स्ट अंडरवेयर ब्रांड इज US पोलो। इसके अंडरवेयर मैंने बहुत ही उम्मीद से खरीदे थे कि हाँ मैं इतना महंगा ब्रांड पहन रहा हूँ तो काफ़ी साल चलेगा, बट इसकी हालत देख लो, पूरी इलास्टिक इसकी जा चुकी है, आगे की तरफ से भी बहुत बुरी तरह लूज हो गया है, ये विद इन 6 to 1 year के बीच में ही हुआ है, एंड एकदम से इसका कपड़ा एकदम लूज हो गया और पहनने की कंडीशन में ही नहीं रह गया। सो दिस इज अगेन अ वर्स्ट अंडरवेयर ब्रांड। नेक्स्ट वर्स्ट अंडरवेयर ब्रांड इज फेम फॉरएवर। जब मैंने इसके अंडरवेयर खरीदे तो काफ़ी प्लेन एंड सिंपल से थे, बस अंदर की तरफ ही ब्रांडिंग थी इसकी, और मैंने इसको आई थिंक काफ़ी साल पहना है, मतलब कि 1.5 साल तो मैंने इसको पहना है, बट उसके बाद इसकी जो हालत हुई है ना यू गाइस कैन सी, यहाँ पे बिल्कुल फट गया है ये बुरी तरह, और जगह जगह से इसमें कहीं ना कहीं छेद हो गए हैं। दिस इज नेक्स्ट वर्स्ट अंडरवेयर ब्रांड। नेक्स्ट वन इज दिस जैकिन जोन्स। मैंने इनके ब्रीफ्स खरीदे थे, और ब्रीफ्स मैंने बस ये 6 महीने ही पहने होंगे और इसमें छेद हो गया। यू गाइस कैन सी कि इतनी बुरी तरह से ये फटा है ना, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, और दूसरी तरफ में भी इसमें हल्का सा छेद होना शुरू हो गया है, सो आई एम नॉट श्योर कि इसकी क्वालिटी इतनी खराब क्यों निकली, सो आई वोंट रिकमेंड दिस ब्रांड टू यू। नेक्स्ट अप वी हैव UCB। UCB के कपड़े नो डाउट अच्छे हैं, बट अंडरवेयर्स में इनको अभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंडरवेयर्स नो डाउट अच्छे बनाए हैं इन्होंने, बट जब इसको पहनते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब कि जो यूजुअली साइज़ होता है मीडियम का उसके अकॉर्डिंग में ये बहुत ज़्यादा टाइट आ जाता है, और इसमें भी आगे की तरफ बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो जब आप पहनते हैं तो एकदम क्लटर्ड जैसा, एकदम घुटन जैसी फील होती है। तो दिस वन इज़ अगेन अ वर्स्ट कैटेगरी। लास्टली आई हैव अ हेनरी एंड स्मिथ ब्रांड, जो कि मेरे पास प्रमोशन के लिए आया था, एंड ट्रस्ट मी मैंने इसको सिर्फ 2 या 3 बार ही पहना है। नो डाउट इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट उतना ही ज़्यादा खराब भी है। मैंने जैसे ही इसको पहना तो उसके अंदर रेशे और जो रोए टाइप के होते हैं ना वो निकल आए थे इसके कपड़े को 1-2 वॉश के बाद ही, तब से मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं पहना है। सो जब 1-2 वॉश में ही इसका ये हाल है तो आप सोच सकते हो अगर मैंने इसको 1.5 साल तक पहन लिया तो उसका क्या हाल होने वाला है। सो गाइस ये थे वर्स्ट अंडरवेयर ब्रांड्स, अब चलते हैं बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड्स जो कि 1.5 साल के बाद भी आराम से चले जा रहे हैं और उनकी क्वालिटी दिन ब दिन अच्छी होती ही जा रही है, साथ साथ स्किन के साथ कंफर्टेबल भी हो रहे हैं। तो चलिए देखें, फर्स्ट वन इज दिस XYXX। आई लव दिस अंडरवेयर क्योंकि
जब से मैंने इसको पहना है ना, मैंने इसके दो अंडरवेयर ऑर्डर करे थे सेम कलर में, और मैं इनको अल्टरनेट डे में पहनता हूँ, मतलब कि मोस्टली मैं इन्हीं में ही रहता हूँ, इन्हीं में ही जीता हूँ। और ये अंडरवेयर जैसे जैसे मैं धोता जा रहा हूँ ना, ये और अच्छे होते जा रहे हैं, इसके स्किन के साथ और ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, एंड साथ साथ इतने ज़्यादा फंकी कलर में है कि पहन के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि आपने कुछ पहना ही नहीं हुआ है येट, दे आर सपोर्टिंग योर बॉल्स प्रॉपरली। नेक्स्ट वन इज़ 1/8 का, ये विराट कोहली का ब्रांड है। मैंने इसको बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए ख़रीदा था, और जब मैंने इसको कभी कभार पहना ना ब्रीफ के कैटेगरी में, तब मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा, बट एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है। बेस्ट थिंग इज़ कि इसमें आगे की तरफ बहुत ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, पाउच स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो जब आप इसको पहनते हैं ना, तो आपकी बॉल्स बिल्कुल भी सफोकेटेड फील नहीं करती जैसे कि बाकी के जो वर्स्ट कैटेगरी के ब्रांड्स थे उनमें करती थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, साथ साथ इसकी इलास्टिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड। नेक्स्ट वन वी हैव दिस डिक्सी स्कॉट। ये वाला भी मैंने खरीदा था जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि इतना ज़्यादा नाम था इसका, एंड नाम की तरह इसने बहुत अच्छा वंडर किया है। मैं इसको काफ़ी टाइम से पहन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा चल रहा है, कहीं से भी कुछ फटा नहीं है, जैसे कि जॉकी का अंडर फट गया था। इनफैक्ट नीचे की तरफ इन्होंने डबल कपड़ा दिया हुआ है, तो यानी कि अगर आपका कपड़ा फटना भी शुरू होता है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट वन वी हैव दिस मैक्रोमैन, जो कि अगेन मेरा फेवरेट है, मैं इसको पिछले 6-7 महीने से रेगुलरली पहन रहा हूँ। साथ साथ इसमें यहाँ पे ना एक विंडो भी दी हुई है आपके प्राइवेट एरिया को निकालने के लिए, जो आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाना है। मैं इसको कभी कभार ही यूज़ करता हूँ, बट अभी तक ये बिल्कुल ऐसे ही इंटैक्ट है। साथ साथ इसकी इलास्टिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, डेफिनेटली ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट वन वी हैव दिस टॉमबर्ग, जो कि मेरे पास एक्चुअली प्रमोशन के लिए आया था, एंड मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा चलेगा, बट जब मैंने इसको पहनना शुरू किया, आई रियली स्टार्टेड लाइकिंग इट। और इसके साथ साथ इसमें आगे की तरफ पाउच भी दिया हुआ है, तो आपकी बॉल्स बिल्कुल भी सफोकेटेड फील नहीं करती हैं। सो यस, दिस इज अनदर अंडररेटेड बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड। नेक्स्ट वन वी हैव दिस फ्री कल्टर, ये वाला भी एक्चुअली मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर ऑर्डर किया था, और जब कभी भी मैं इसको पहनता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कूल और एकदम सॉफ्ट सा मैंने कुछ पहन लिया, जैसे कि डामेंज के अंडरवेयर होते हैं वैसे ही टाइप में। इसकी क्वालिटी जो है ना, वो बिल्कुल डामेंज के अंडरवेयर की तरह ही है, मतलब कि कपड़ा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इलास्टिक भी वैसे ही है। इनफैक्ट इन्होंने ब्रांडिंग भी जो कर रखी है वो भी वैसे ही कर रखी है, एंड नो डाउट इन्होंने कम प्राइस में, एज़ कम्पेयर टू डामेंज जो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाते हैं, उसके कंपेरिजन में इन्होंने काफ़ी गुड क्वालिटी के अंडरवेयर बनाए हैं। सो मैं भी ये अंडरवेयर ब्रांड आपको सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट वन वी हैव दिस फ्रेंची। यस, ये वाला भी अंडरवेयर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैंने इसको 8-10 बार पहना होगा पिछले 1-1.5 सालों में, एंड आई रियली लव्ड इट। क्योंकि इसमें क्या है कि आगे की तरफ ना स्पेस बहुत दिया हुआ है, और अंदर की तरफ ऑरेंज कलर का दिया हुआ है, और आगे की तरफ जाली दी हुई है, तो जो आपका पैकेज इसके ऊपर आता है ना, तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक आ जाता है कि हाँ, यू हैव अ बिगर पैकेज। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। नेक्स्ट वन वी हैव दिस क्रोमोजोन, ये वाला भी अंडरवेयर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, सटल है, बट जब इसको पहनते हो तो आपकी बॉडी में अच्छे से फिट हो जाता है, और बॉल्स और हर चीज़ को अच्छे से सपोर्ट करता है, और इतने बार वॉश होने के बावजूद भी ये एकदम वैसा का वैसा ही है। सो दैट्स व्हाई मैं क्रोमोजोम को रख रहा हूँ बेस्ट अंडरवेयर की कैटेगरी में। नेक्स्ट वन वी हैव दिस कैल्विन क्लाइन। यस, कैल्विन क्लाइन इज अ सुपर लग्जरी अंडरवेयर ब्रांड, एंड मुझे हमेशा से ही एक सपना था कि मेरे पास भी कुछ अंडरवेयर हो जो कि कैल्विन क्लाइन के हों। तो मैंने बहुत ही सोच समझ के अंडरवेयर ऑर्डर करे थे, 3 ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में और वाइट कलर में। तो मैंने ग्रे और ब्लैक तो बहुत पहना है, एंड ट्रस्ट मी क्वालिटी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कल ही इसको ख़रीदा है, और ये कम से कम 25-30 बार धुल चुका है पिछले 1-1.5 सालों में। सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वन, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट फॉर योर स्पेशल ओकेजन एंड स्पेशल नाइट्स में तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। लास्ट वन इज द मेंच, ऑफकोर्स इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये मैंने इसको लास्ट में इस वजह से रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू जो इनका कपड़ा है। सेम ऐसी ही क्वालिटी के अंडरवेयर फ्री कल्टर भी बना रहा है, बट इनके जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, इस वजह से मैं इसको लास्ट में रख रहा हूँ। बट नो डाउट इट्स अ गुड ब्रांड, अंडरवेयर की कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। सो दैट्स वाई अगेन दिस इज द लास्ट बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड। गाइस, ये थी कुछ वर्स्ट एंड कुछ बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड्स, जो कि मुझे ऐसा लगा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। समर्स आ रहे हैं, और इस टाइम पे हमारा कूल एंड कंफर्टेबल फील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड वो हम फील कर सकते हैं जब हमारे पास करेक्ट अंडरवेयर हो। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया वर्स्ट एंड बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।